हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था मेरे ना रहने की वजह से, तो वही घर में सफा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा, हाँ, यहाँ दीवार पर मिट्टी मिट्टी सा पता नहीं क्या हो गया था, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी घर में। और यहाँ जो जूता चप्पल में रखी हुई हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चूहे हो गए हैं, तो उसको भी मैं हटा करके साफ़ करूँगी। और जो यूज के लिए चप्पल हैं वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, नहीं तो और चप्पल जूता जो है वो मैं बोरी में भर करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं, बहुत परेशान कर दिए हैं, सारा जूता चप्पल काट दिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हैं। इतनी छोटी छोटी चूहियाँ जो होती हैं वो हो गई हैं घर में, तो वही मैं सब झाड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और दोस्तों, जब मैं आई थी जिस दिन, हम 6 तारीख को घर पर आ 7 तारीख को घर पे आ गए थे रात के 9:30 बजे, और 8 तारीख को मेरे हस्बैंड जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और डायरिया हो गया था, उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज थोड़ा उनका तबीयत ठीक है, इस वजह से मैं काम में लग गई थी, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल से काम में नहीं था, मैं उनके पास ही बैठी रहती थी। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, मैं बता नहीं सकती दोस्तों, इतना ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना तबीयत ख़राब हो जाएगा। वैसे तो मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, जब से आई हूँ तब से थकान सी हो रही है। और जब मैं वहाँ पे थी कटरा में वैष्णो देवी, तो वहाँ पे भी मुझे भी उल्टी दस्त हुआ था, तो थोड़ा सा कमजोरी मुझे भी हो गई थी, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब हो गई। तो बस यही बात थी दोस्तों। और कहते हैं ना, घर में अपना तबीयत ख़राब रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में किसी और का तबीयत ख़राब हो जाता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो वही मेरा भी हाल था, अक्सर बच्चे या हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो जाता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मन किसी भी काम में नहीं लगता है, तो मेरा भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। वैसे अभी सुबह के 9:30 बज रहे होंगे, चाय नाश्ता करके मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और उनको भी मैं, अभी वो लेटे हुए हैं, अभी जगे नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये 2-3 दिन से मेरे मन में लगा था कि मैं कब साफ़ सफाई करूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर, तो अभी मैं धीरे धीरे करके सारा काम अपना निपटाऊँगी। वैसे अभी मुझे हफ्ते भर से ज़्यादा लगेंगे साफ़ सफाई में, तो धीरे धीरे ही सारा काम मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भी उतना, मतलब मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमजोरी सी हो रही है, तो एक बैग सारा काम करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी। तो देखिए, ये सब सामान मैंने हटा करके सेट कर दिया, और ये अलमारी जो है इसको भी मैं साफ़ करूँगी, इसमें भी चूहे घुस गए थे और सारा पेपर कतर दिए थे, और इसमें बहुत गंदगी मचा दिए थे, गंद मचा दिए थे, तो वो सब भी मैं साफ़ कर दूंगी और फिर से पेपर बिछा करके अलमारी को सेट कर दूंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने लगा दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। यहाँ नीचे मैंने अचार लगा दिया है, और मसाले हैं जो सारा डब्बा खाली हो चुका है, मसाले भी बनवाने हैं हमें, इस तरीके से मैंने लगा दिया है। और दोस्तों, काम सारा ख़त्म करने के बाद मैं चली आई थी हस्बैंड जी को कुछ खिलाने पिलाने, क्योंकि कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। उनका चेहरा आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि कितने दिन से ये बीमार हो गए, 2 दिन में इनका चेहरा एकदम से सूख गया, इनसे खड़े भी नहीं होए जा रहा है, सारा दिन ये लेटे रहते हैं, और इनके शरीर में बिल्कुल से भी पानी नहीं बचा था, इनके हाथों पैरों में टांस लगने लगी थी,
इनको करीब 17 से 18 बोतल ग्लूकोज चढ़े हैं, तब जाकर ये थोड़ा सा बैठने उठने लगे हैं। तो बस वही मैं चलती हूँ, इनको खिला देती हूँ कुछ। और ये एक दिन पहले का वीडियो है, रात में ग्लूकोज उनको चढ़ रहा था। दो दिन से दोस्तों इनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। मैंने थोड़ा सा क्लिप दीपांश से बनवा लिया। तो दोस्तों अभी मैं बैठ गई हूँ सारा काम करके, और आप लोग जानना चाहते हैं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। तो दोस्तों जिस दिन हम लोग वहाँ से यात्रा पर से आए थे, रात में 9:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे घर में, घर पर 7 तारीख को हम लोग घर पर पहुँच गए थे। और 8 तारीख को रात को 1 बजे से मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वो भी अचानक से। दिन भर वो बिल्कुल से ठीक ठाक थे, शाम को खाना पीना सब अच्छे से खा करके आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। अचानक से रात में 1 बजे इनका पेट जो है दर्द करने लगा और उल्टी दस्त चालू हो गया, और मुझे भी ये बताए नहीं। और जब रात के 3 बजे सुबह के 3 बजे तब मैं जगी, तब देखी इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मुझे उल्टी दस्त हो रहा है। तब करीब ये 8-9 बार इनको उल्टी दस्त आ चुका था जब मैं जानी। उसके बाद मैंने इनको दवा दी, जैसे ही मैंने दिया तैसे इनको पलटी हो गई, मतलब उल्टी हो गई। फिर हमारे ही नज़दीक में एक डॉक्टर हैं, बंगाली डॉक्टर उनको बोलते हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं, जो आम जैसे छोटी मोटी होती है प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द होना, तो वो यहीं पे देखते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर मैंने इनसे बोला कि चलो मैं वहाँ पे लेकर चलती हूँ। 2 बार मैंने इनको बाहर लेकर, जैसे ही जा रही थी तैसे इनको उल्टी दस्त चालू हो गई, बिल्कुल से ये जाने के कागार पे नहीं थे। फिर भी मैं इनको ज़बरदस्ती लेकर के किस हाल से गई, वहाँ पे इनको सुई दवाई हुआ। फिर जैसे घर पर लेकर आई फिर भी आराम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने जेठ जी के लड़के से बताया, मेरा जेठ जी का लड़का जो है डॉक्टरी पढ़ाई करता है और डॉक्टर मतलब मेडिकल की दुकान है वहाँ पर भी बैठता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मेरे जो जेठ हैं, मतलब मेरे बड़े ससुर के लड़के हैं, वो भी जिला हॉस्पिटल में, गोंडा जिला हॉस्पिटल में रहते हैं। तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बताया जो वहाँ के बड़े डॉक्टर हैं, तो उनसे पूछ करके सारा दवाइयाँ बताने लगे। और मेरे जेठ जी का जो लड़का है वो सारा दवाइयाँ देने लगा इनको। तब जा कर के कुछ मतलब करीब सुबह हो गई, सुबह क्या दोपहर 12-1 बजे तक इनको थोड़ा बहुत आराम हुआ, मतलब पलटी तो बंद हो गई लेकिन दस्त नहीं बंद हुआ। दस्त कल शाम को बंद हुआ है, एक बैग से रोका नहीं जा सकता था इस वजह से। उसके बाद इनको ग्लूकोज जो है लगातार चढ़ती रही, करीब 17 ग्लूकोज इनको चढ़ा, छोटा बड़ा मिला करके 17 ग्लूकोज चढ़ा। अभी 4-5 ग्लूकोज रखी हुई हैं, ये मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए ये सब अभी इनको चढ़वाना है। अभी ये थोड़ा बहुत आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इनको अनार सेब ये सब खिला दिया है, देखिए ऐसे ऐसे मिला करके इनको 17 ग्लूकोज चढ़े हैं। अभी ये सब भी चढ़वाना है, और मतलब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, डायरिया जो बोलते हैं डायरिया हो गई थी, उल्टी दस्त बिल्कुल से कंट्रोल में नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से अब ये थोड़ा सा मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। अभी ये लेटे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये लेटे हुए हैं। आज तीसरा दिन है दोस्तों, एक अनाज भी मेरे हस्बैंड जी ने नहीं किया, केवल मैं मूंग की खिचड़ी ही बना रही हूँ, और 2 चम्मच 1 चम्मच खा करके बस हटा देते हैं। थोड़ा सा मैं फल फलूत मंगाई हूँ, वो भी नहीं खा रहे हैं, ज़बरदस्ती करके थोड़ा बहुत मैं खिला रही हूँ, क्योंकि दवा भी खाना होता है। दवा जैसे खिलाती हूँ वैसे वो एक बैग से मतलब जी उबने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। तो फिर मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला जेठ जी हमारे कि थोड़ा बहुत खाना पीना खिला करके ही फिर दवा दे करो।
तो अभी तो ठीक है दोस्तों, बस यही आप लोगों से बताना था। और मेरे पास ऑलरेडी 2-4 वीडियो भी रखी हुई हैं जहाँ मैं घूमने टहलने गई थी, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई। आप लोग समझिएगा कितना मतलब दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं तो गई थी अच्छे से घूमने टहलने, मुझे क्या पता था कि घर आकर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी कटरा में ही उल्टी दस्त चालू हो गया था, लेकिन मेरी इतना ज़्यादा हालत नहीं ख़राब थी जितना इनका हो गया। चेहरे से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरीके से हम पति पत्नी बीमार हो गए। दीपांश का भी तबीयत नहीं ठीक है, मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। हमारी सासू अम्मा को भी हाथों में एक फोड़ा निकला हुआ था तो वो पक गया, उनके हाथों में भी बत्ती जा रही है। जो लोग समझेंगे बाती क्या जाता है, बहुत ज़्यादा घाव अंदर हो गया है, उनके हाथों में बाती जा रही है, इतना हाथ फूला हुआ है। मतलब मेरे पूरे फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है, सब बीमार पड़ गए मेरे घर में। मेरे घर का माहौल ही बदल गया, खुशी में मेरी दुख भरा हो गया। पता नहीं क्या मैंने गलती की क्या नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब होता है सफ़र में, खाना पीना थकान की वजह से। बस यही बातें थी आप लोगों से मैं बताना चाहती थी। मैं 2-4 दिन बिल्कुल से भी ना मैं मोबाइल उठाई, ना मैंने किसी का कमेंट पढ़ा और ना मैंने वीडियो डाला। मैं जब इनको थोड़ा सा आराम हुआ तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे, यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप लोगों को बताइएगा क्या मैं बोलूँ। तो चलिए बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आशा करती हूँ आप सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इनको अभी टाइम लगेगा, इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। देखिए इनको ठंड लग रही है और मुझे गर्म लग रही है, मैं पंखा चला कर बैठी हूँ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। मैं तो एकदम से डर गई थी, अचानक से इनका तबीयत ख़राब हुआ और ऐसा लग रहा था कि अब मतलब मेरे मुंह से भी निकला नहीं जा रहा कि अब मेरा और साथ इनका। बस यही मैं माता रानी से मनाती रही कि माता रानी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए, जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब जाकर इनका 2 दिन के बाद थोड़ा सा उठना बैठना चालू हुआ, नहीं तो इसी बेड पर पड़े रहते थे। शुक्र है कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। हमारी जेठ जी जो हैं, हमारे जेठ जी के जो लड़के हैं, सब लोगों ने मिलकर इनको अच्छा कर दिया। अभी एकदम से अच्छे नहीं हुए हैं, अभी देखिए ग्लूकोज रात में भी 2-3 चढ़ी हुई है और अभी चढ़ेगी दोपहर में जब मैं थोड़ा बहुत इनको कुछ खिला दूँगी। तो चलिए बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा।